13 जनवरी को जैसे कि आपको पता है कि हम लोग बहुजन यूथ फॉर्मेशन 2019 और सत्य शोधन संघ के संयुक्त तत्वाधान में बहुजन सम्मान महासभा का आयोजन कर रहे हैं। बहुजन महासभा सम्मान महासभा आपको मालूम है कि 2 अप्रैल को जो बच्चे शहीद हुए उन शहीदों के सम्मान में इस सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के आयोजन के पीछे जो प्रमुख प्रेरक कारक है, जो जिस वजह से हमको ये काम करने की प्रेरणा मिली, वो ये है कि हमारा इतिहास बताता है कि जब हम अपने समाज के शहीदों को सम्मानित करते हैं तो समाज उससे प्रेरित होकर आगे की तरफ बढ़ता है। और जिस तरह की आज देश में केंद्र में और राज्य में सरकारें हैं जो कि पूरी तरह से मनुवादी ब्राह्मणवादी नीतियों पर चल रही हैं और उन्हीं नीतियों के कारण इस देश में 2 अप्रैल जैसा ऐतिहासिक क्षण हमने देखा, तो अब उनकी अगली कवायद थी कि वो हमारा मनोबल तोड़ दे। जो बच्चे सड़कों पर उतरे, जिन्होंने इस देश के संविधान की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक हक का पालन करते हुए लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांगों को रखा और वो भी बिना किसी राजनीतिक दल किसी के नेतृत्व में एक सामूहिक चेतना के आधार पर। हम सब जानते हैं कि 2 अप्रैल में जो लोग SC ST एक्ट के बदलाव के खिलाफ सड़कों पर उतरे उनको किसी ने इकट्ठा नहीं किया था, वो अपनी प्रेरणा से अपनी सामाजिक चेतना से उतरे थे। तो सामाजिक चेतना की धार को कुंद करने के लिए 2 अप्रैल के बाद इस देश की मनुवादी सरकारों और इस देश की मनुवादी शक्तियों ने जो कवायदे की, इसका एक उदाहरण हमने देखा कि उन्होंने संविधान जलाया हमें प्रवोक करने के लिए। हमने देखा कि किस तरह से इस देश के किसानों पे उन्होंने लाठियां गोलियां बरसाई, उसके बाद लाखों किसान जब सड़कों पे उतरे तो उसको सरकार ने अनदेखा किया। ये किसान कौन थे? ये बहुजन समाज के युवा ही थे जो उतरे थे अपने हक के लिए। तो उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि हमारा सामाजिक चेतना जो उभर रही है उसको कमजोर कर सके, उसको कुंद कर सके और हमारे को मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव देने। जिस तरह के झूठे हजारों केसेस में नौजवानों को जेलों भेजा गया, उनके ऊपर गैंगस्टर NSA जैसे एक्ट लगाए गए, सारे प्रमाणों के बावजूद RSS और उनके गुंडों के ऊपर केसेस नहीं हुए, कार्रवाई नहीं हुई, ये सारी चीजें क्या दर्शाती थी और दर्शा रही हैं कि हमारे को वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ हम कुछ भी करें तुम्हें हमें झेलना पड़ेगा। तो हम साथियों के मन में ये बात थी स्पष्ट तौर पे, हम सभी साथियों के मन में, कि हम इसका माकूल जवाब इस देश की ब्राह्मणवादी सरकार को उसकी नाक के नीचे देंगे। और इसी के तहत हमने 19 अगस्त को आप सबसे जंतर मंतर पर वादा किया था, वो संकल्प लिया था, याद कीजिए, हमने वो संकल्प लिया था सामाजिक तौर पे कि इन शहीदों को हम समाज में स्थापित करेंगे, इनकी शहादत का जो सम्मान ड्यू है अगर सरकार नहीं देगी तो ये समाज देगा। तो इसलिए हमने इस सभा का आयोजन किया, इसीलिए इसका नाम भी हमने क्या रखा, बहुजन सम्मान महासभा। ये कोई रैली नहीं है, कोई भाषणबाजी का मंच नहीं है। उस दिन सिर्फ शहीदों के परिवार मंच पे होंगे,
धम्म सानिध्य के लिए बौद्ध भिक्षु हमारे साथ होंगे और उन परिवारों के साथ साथ उनकी मूर्तियों के अनावरण को हम करेंगे जो हम करवाइए। और जो बच्चे जेल गए जिन्होंने समाज के लिए लाठी खाई जेल की हवा खाई हम उनको भी सम्मानित करेंगे। इसमें हमने अपने एक चीज को और जोड़ा है जो 19 तारीख को हमने संकल्प लिया था कि एक चीज हमने और जोड़ी जो हमें बाद में रियलाइज हुई ये कि जो सालों से बहुजन समाज के लिए संगठन समितियां और व्यक्ति अपने स्तर पे काम कर रहे हैं छोटे हैं बड़े हैं जैसे भी तो वो अपने लगन के साथ लगातार काम कर रहे हैं। जैसे आप के आप मीडिया बंधु हैं आप ये काम कर रहे हैं एक पैरेलल मीडिया खड़ा कर रहे हैं बहुजन मीडिया को आप की सशक्त आवाज है। तो ऐसे तमाम साथी जो समाज के अन्य क्षेत्रों में चाहे वो शिक्षा हो स्वास्थ्य हो या बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार प्रसार हो या बुद्ध की विचारधारा का प्रसार हो चाहे संत रविदास की विचारधारा का प्रसार हो वो किसी भी स्तर पर सामाजिक भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं हम उनको भी अपनी तरफ से सम्मानित करेंगे। उनके मनोबल की उनका कोई कमी नहीं है उनका मनोबल तो बना हुआ तभी वो काम करते पर ये छोटा सा प्रयास भी उनको थोड़ी ऊर्जा नई ऊर्जा देने में सहायक होगी। तो हमने इसमें तीन चीजें जोड़ी हैं इन तीन चीजों के आधार पर सभा हम आयोजित कर रहे हैं आपके माध्यम से देश के हर बहुजन और हर न्यायप्रिय नागरिक को इस देश के हम आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आए और इस देश के संविधान की रक्षा में शहीद हुए उन 13 नौजवानों और जेल गए उन नौजवानों के सम्मान में अपना जीवन का ये क्षण दे ताकि वो परिवार वो व्यक्ति और उनको देखने वाले अनेक लोग आने वाले वक्त में जब भी समाज की पुकार हो तो सड़कों पे उतर के अपने लोकतांत्रिक हकों का इस्तेमाल करने में झिझके नहीं। तो अब मैं यहाँ अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारे साथी हैं जयप्रकाश जी बालक राम जी अनिल भाई आप सभी को मेरा काम की तारीफ देंगे मैं आप सभी को पुनः बधाई दूंगा कि आप सभी के सहयोग से जो 2 अप्रैल का इस देश में आया भारत में एक ऐतिहासिक इतिहास रचा उसी की कड़ी में एक कदम आगे चढ़ते हुए उस प्रदर्शन में जो हमारे 13 बच्चे शहीद हुए उनकी शहादत के सम्मान में आगामी 13 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुजन सम्मान महासभा का आयोजन किया गया है जिसमें उनके शहीद परिवारों को सम्मान किया जाएगा और उस आंदोलन में इस दमनकारी सरकार की जो नीति है उन पर भी चर्चा की जाएगी। मैं आपको जानकारी दिलाना चाहूँगा कि इस दमनकारी सरकार ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारी 3 महिलाओं को भी 3-3, 4-4 महीने की जेल भेजा जो बेचारी अपने हस्ताक्षर करना नहीं जानते उनको उस पूरे केस का मास्टर माइंड तक बनाया गया पुलिस ने। मतलब उस सभा में आपको एक ऐसे पूरे देश के राज्य आपके सामने एक तथ्य रखे जाएंगे जो इस सरकार की बार बुझाई सरकार की दमनकारी नीति है वो सब आपके सामने दिखाई जाएगी। सरकार की जो दमनकारी नीति है उसका हम पूरी तरह से उसको एक रिप्लाई देंगे कि सरकार चाहे जितनी कोशिश करेगी हमें दबाने की हम उतनी उससे भी ज़्यादा शक्ति में सरकार के सामने काउंटर करने के लिए तैयार हैं। उसी क्रम में ये कार्यक्रम दिल्ली में रखा गया है क्योंकि बच्चे जो बच्चों की शहादत हुई है 7 बच्चे मध्य प्रदेश के हैं 4 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं 1 बच्चा राजस्थान का है 1 बच्चा पंजाब का है। लेकिन कार्यक्रम दिल्ली में रखने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम सरकार को एहसास करना चाहते हैं कि सरकार इस दमनकारी नीति को बंद कर दे। अगर सरकार या भविष्य में कोई भी सरकार ऐसी दमनकारी नीति बनाएगी तो समाज उसका कड़ी
जोर से उसका मुकाबला करेगा और उसका जवाब देगा। चैनल के माध्यम से जितने हमारे पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं साथियों, जैसा कि बताया अभी भाई साहब ने बताया, जयप्रकाश जी ने बताया और भाई साहब ने भी बताया, संजीव जी ने बताया कि जो सरकार को काम करना चाहिए था वो सरकार नहीं कर रही है। वो जो है हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जो समाज के जो लोग हैं उसमें आप लोग भी शरीक हैं। हम लोग तो एक माध्यम है, क्योंकि जो शहादत जो 2 अप्रैल में जो हुई है हमारे भीम सैनिकों की, तो इनको एक स्थापित करने के लिए एक अवसर है। जिस प्रकार से 2 अप्रैल में हमारे समाज के जो जितने भी साथी थे, हमारे बहुजन समाज के जो लोग थे, अपने अपने स्तरों पे, छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे, जो आप लोगों ने प्रदर्शन को जो रूप दिया, जो सरकार को आपने एक मैसेज देने का जो काम किया, बहुजन समाज को एक एकत्रित करने का काम किया, जैसे मैसेज देने का काम किया, बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने का जो आप लोगों ने काम किया, तो ये अवसर जो दोबारा हमारे बीच में आया है 13 जनवरी को, तो साथियों ये अवसर बार बार नहीं आएगा। समाज की लड़ाई है और मैं बस आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि अवसर हाथ से ना जाए। और वर्तमान में बहुत जल्द ही देश के अंदर आम चुनाव भी होने वाले हैं लोकसभा के, तो देश के अंदर जो है ये वर्तमान जो सरकार है मनुवादी सरकार है, अगर हम असल में अपने बहुजन समाज के लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो शहीद हुए हैं, तो सभी लोग अपने अपने स्तर पर, अभी हमारे पास समय है तो हम अपने अपने छोटे छोटे स्तर पर जो है लोगों को प्रचार प्रसार करके लोगों को आमंत्रित करके दिल्ली में 13 जनवरी 2019 को सुबह प्रातः 10 बजे रामलीला मैदान में सब एक इकट्ठे हों और एकत्रित होकर इस जो मनुवादी सरकार है इसको चुनौती देने का काम करें, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। ये जो प्रोग्राम रखा गया है भारत के उन तमाम मूल निवासी व जिन लोगों ने साथ दी है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उनका कहीं मनोबल डाउन ना हो जाए, उस मनोबल को बरकरार रखने के लिए वह उन बच्चे और बच्चों के परिवारों को वह समाज के उन तमाम लोगों को जो जेल गए थे उनको सम्मान देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं भारत के उन तमाम मूल निवासी लोगों से अपील करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपील करते हुए कि आप सब लोग 13 तारीख को 10 बजे रामलीला दिल्ली के रामलीला मैदान में आए और आकर के उन बच्चों का, उन बच्चों के परिवार का व पूरे समाज का शोभा बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि वहां ये ऐसा एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है कि जो लोग वो 13 बच्चे हैं उनकी प्रतिमा जैसे साथियों ने बताया है वो वितरित की जाएगी, जो लोग जेल गए हैं उन लोगों को भी सम्मान दिया जाएगा और उन तमाम बच्चों के परिवार को जिनकी शहादत हुई है, जिन्होंने शहादत दी है, उनको सहायता राशि भी उनको दी जाएगी। तो इस सारे कार्य को पूर्ण रूप से मजबूत बनाने के लिए आप लोग 13 तारीख को जरूर जरूर पहुंचे और समाज और समाज के बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, तभी हम अपने संविधान व अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। जिस मनुवादी सरकार के तहत ये कार्य हुआ है, आज पूरे भारत के लोग उनको सबक सिखाना चाहते हैं और यदि आप हकीकत में सबक सिखाना चाहते हैं तो आप लोग 13 तारीख को चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब लोग दिल्ली का रामलीला मैदान में आकर के, बल्कि दिल्ली का रामलीला मैदान को नहीं, दिल्ली की सड़कों को भी जाम करने का काम करेंगे। इसी अपील के साथ, इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर एक बार अपील करते हुए कि आप सब लोग घरों से निकल करके आएंगे। जो संबोधित करेंगे वो कौन करेंगे? कुछ करेंगे बहुजन यूथ फॉर्मेशन 2019 सत्यशो दर्शन के तत्वाधान में बहुजन सम्मान महासभा का आयोजन 13 जनवरी 2019 को रामलीला मैदान में जो होने जा रहा है, इसके पीछे का मकसद जो 2 अप्रैल को हमारे नौजवान शहीद हुए जिन्होंने समाज के लिए शहादत दी, उन
उन वीर सपूतों को इस देश के अंदर जीवित रखने के लिए, इस देश के इतिहास के पन्नों में उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाने के लिए आज 13 जनवरी को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, यह कार्यक्रम पूरे देश से आने वाले सभी उन श्रोताओं, उन अभिभावकों, विभाजन समाज के लोग जो उन वीर शहीदों को शहादत देने के लिए, नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे शहीदों को देश के अंदर हमेशा याद किया जाए और उनकी शहादत का जो समय जो बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी कूटनीतियों के द्वारा SC ST एक्ट में फेरबदल करवाया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस सरकार को 2019 में जवाब देने के लिए पूरे देश के अंदर सभी छोटे बड़े संगठन बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाने के लिए काम करें और यही सच्ची और सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे वीर शहीदों को। जय भीम। नहीं है जी, ये बहुजन सम्मान महासभा है, इसको संबोधन करेंगे जिन्होंने अपने 13 बच्चे खोए इस देश से जी, जिन्होंने अपने एक ऐसी हानि की है जो जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती जी, उनके साथ साथ जो हमारे धर्म सानिध्य में भंते करुणा सिंह राहुल और देश विदेश इधर भी हमारे बहुत भिक्षु आएंगे, तो जो धर्म सानिध्य वो मुख्य रूप से मंच का आकर्षण रहेंगे। सर लगभग कितना अंदाजा है कि वहाँ उस रामलीला के अंदर कितने बहुजन के लोग पहुंचेंगे? देखिए शायद आपका जो ग्राउंड है वो छोटा पड़ सकता है। सर मेरे को भी जयप्रकाश जी, क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई राजनीतिक संकल्प भी लिया जाएगा, चूंकि 2019 का लोकसभा चुनाव करीब है? जी बिल्कुल, बता दिया हमने पहले कि ये तो सम्मान जो है बहुजन सम्मान महासभा है, इसमें स्टैचू दी जाएगी बच्चों की उनके परिजनों को, और उसके बाद में जो ये साल राजनीतिक साल है पॉलिटिकल, उससे तो बहन जी को PM बनाने के लिए वहाँ पर अपील की जाएगी, लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। अच्छा, ये जो स्टैचू आप लोग 13 स्टैचू बनाए हुए हैं उनको वहाँ पर स्थापित किया जाएगा जहाँ जहाँ के वो बच्चे हैं जी, ऐसा कुछ सुनने में है? नहीं देखिए, जैसे कि 7 बच्चे मध्य प्रदेश के हैं जी, तो मध्य प्रदेश जहाँ के वो निवासी हैं उनको वहीं उन्हें दूरी के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, उनके समाज के द्वारा वहाँ पे जो भी मतलब उन्होंने जगह टिकी हुई है जो बमन पैलेस है वहीं पर मतलब स्थापित किया जाएगा। क्या ये मूर्तियाँ अगर आप कहीं लगवाएंगे तो टूटने की भी आशा रहे क्या, आशंका रहेगी? देखिए पहली बात तो ये है कि मूर्तियाँ टूटने की आशंका इसलिए नहीं है कि आपने देखा होगा कि अगर कोई हमारे किसी भी महापुरुष की मूर्ति पर हाथ लगाता है तो उसका अंजाम क्या होता है, और जहाँ तक मूर्तियों की बात है ये कोई मतलब मामूली मूर्तियाँ नहीं है, ये भारत के इतिहास में बहुत सारे लोग मतलब आंदोलन था उन शहीदों की मूर्तियाँ आई, तो मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आइए, मैं इसमें दो चीज़ें जोड़ना चाहूँगा, ये प्रश्न हर जगह उठ रहा है कि इन मूर्तियों की सुरक्षा का क्या हो जी, देखिए जो 13 शहीद हैं हमारे ये जो 13 शहीद हैं हमारे इन्होंने किस चीज़ के लिए शहादत दी? SC ST एट्रॉसिटीज एक्ट को सेव करने के, तो इनकी सबसे बड़ी सुरक्षा के एक्ट ही है अगर आप दृष्टि से देखें, तो जो भी इनको मूर्तियों को जो भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा सबसे पहले तो कानून की गाड़ी है वो इस तरह से आ जाए। हम मानते हैं कि देश का एक समाज में नागरिक कानून तोड़ना नहीं चाहते, तो ये अपने आप में इनकी सुरक्षा करेगा एक्ट जिसके लिए वो लड़े और जिसको बचाया उन्होंने, के लिए सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े, तो पहली चीज तो ये है। दूसरी बात है कि जो भी सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतीक चीजें होती हैं उनकी प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी समाज की होती है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी समाज की होती है, क्योंकि मूर्तियों की स्थापना समाज द्वारा की जा रही है, समाज का निर्णय है कि हम अपने इलाकों में उन मूर्तियों को स्थापित करेंगे, तो ये
सामाजिक जिम्मेदारी बनेगी उनकी सुरक्षा, किसी एक व्यक्ति या परिवार की जिम्मेदारी नहीं। और ये संघर्ष तो सतत है कि जब आप अपनी कोई बात रखेंगे तो विरोधी अपनी बात को चैलेंज करेंगे, तो ये संघर्ष तो जारी रहेगा। इसकी कोई काउंटर गारंटी नहीं खोजनी चाहिए। सवाल है कि क्या इन मूर्तियों की स्थापना से उस क्षेत्र की सामाजिक चेतना को बढ़ावा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो निसंदेह मिलेगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि मूर्तियों को जहाँ पे भी हम स्थापित, जहाँ पे बच्चे शहीद हुए उन डाकों में जब स्थापित करेंगे तो उनके साथ एक लाइब्रेरी जरूर बनेगी। इन बच्चों की याद में सिर्फ मूर्ति नहीं, एक लाइब्रेरी खुले, जो वहाँ पे हमने तय किया है, लोगों से बात कर ली, हमारा निर्णय नहीं है कि हमारे समाज के महापुरुषों के नाम पे होंगे, ताकि ये एक सामाजिक चेतना का केंद्र बने। देखिए हमारे देश की एक खासियत है, प्रवृत्ति है कि हमें चेतना के लिए ऐसे प्रतीक चाहिए होते हैं। जहाँ तक की सेफ्टी की बात अभी आप लोगों ने कही, तो हम लोग अधिक सेफ्टी की जो बात आपने कही है, हम लोग अधिकांश क्या सभी जगह हम जा चुके हैं, वहाँ पे सभी जगह अपने जैसे डॉक्टर मेडिकल पार्क वगैरह होते हैं, बुद्ध विहार वगैरह होते हैं, वहाँ पर तो उन लोगों की आपस में बातचीत चल रही है समाज में। जैसे मैं भी पंजाब होकर के आया हूँ, वहाँ फवाड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे जहाँ से मूवमेंट चला था, तो वहाँ बुद्ध विहार रोड पर बहुत अच्छा, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम अपने उस शहीद बेटे की स्टैचू वो इसी बुधियार के रोड पर लगाएंगे। तो इसी प्रकार से अम्बेडकर भवन है कहीं पर, कहीं अम्बेडकर पार्क है, तो ऐसे स्कूल ऐसा अपना कोई वहाँ पे कॉमन, तो वहाँ पे ऐसा सब कुछ चल रहा है, वहाँ पे वो ऐसी प्रॉब्लम कोई आएगी नहीं ऐसे। नहीं सर, इस कार्यक्रम के मंच पर कोई राजनीतिक हस्ती रहेगी और बसपा की तरफ से कौन इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए जहाँ पर राजनीतिक पसंद है और विशेषकर बसपा का हमने आमंत्रण किया है, सबको उन्होंने निमंत्रण दिया है, ये सामाजिक मंच है, इसमें किसी को आने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, विशेषकर बसपा के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, अगर बसपा से अगर कोई दूसरी अगर कोई राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति आएगा तो मंच पर इनको अनुमति नहीं दे पाएगा। आपने BSP की बात की, क्या आपने BSP सुप्रीमो मायावती जी को भी इन्विटेशन कार्ड दिया है? हाँ, ये अब बिल्कुल आपने भूल गए थे, मैं अभी 2-3 दिन पहले गया था और इन्विटेशन कार्ड देकर के आए हैं, उसकी कॉपी भी हमारे पास में है। हाँ, हमने इनवाइट किया है बहन जी को, उसमें अजय जी गेस्ट, तो हम करके आए हैं इसको। उम्मीद जता करती है कि आएंगी बहन जी? अब संभावना तो हर एक आदमी करता है, जो कार्ड देकर बहन जी का फोटो लगेगा नहीं? देखिए जब तक अनुमति नहीं मिल पाती है तब तक हम फोटो नहीं लगाते। पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी तो आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, 1000 से भी ज्यादा लोगों को सम्मानित करेंगे, इस चीज को मैनेज कैसे करेंगे आप लोग? और वो सब सिस्टमेटिकली, आप मेहनत की बात कर रहे हैं, हम सम्मानित करेंगे भारतीय संविधान की पुस्तक देखो, और भारतीय संविधान अपने आप में एक सम्मानजनक है जो व्यवस्था को स्थापित करता है। निश्चित हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप खुद वहां मौजूद होंगे, आप भी देखेंगे संविधान के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई है, संविधान की प्रतियां देके जो हम सम्मानित कर रहे हैं, तो व्यवस्था का तरीके से सबको सम्मानित किया जाएगा। और विशेषकर मैं एक अपील और करूंगा, जितने भी आप पत्रकार बंधु हैं, आप भी हमारे सम्मान सूची में हैं और थर्ड नंबर में ही हैं जी, इसलिए आप सबको हम सम्मानित करेंगे। आपके साथ जितने भी आप पत्रकार बंधु हैं, आप उन सभी को लेकर आइए, आप सब आमंत्रित हैं, आप सबको भी संविधान की प्रतियां देकर सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, संगठन का नाम है बहुजन यूथ जी, लेकिन सड़कों पर नहीं उतरता यूथ, सड़कों पर यूथ नजर नहीं आता है। नहीं देखिए, जब भी क्रांति की जरूरत होती है तो यूथ, बहुजन यूथ सड़क पर हमें देखने को नहीं मिलता, कहीं ना कहीं क्रांति होनी चाहिए। पहली बात, बहुजन यूथ कोऑर्डिनेशन 2019 का संगठन नहीं है, वो एक मुद्दा आधारित मंच है जिसकी घोषणा जयप्रकाश जी अपने पूर्व के भाषणों और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। इट्स नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अब आपका जो दूसरा प्रश्न है कि बहुजन यूथ सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहा,
अगर नहीं उतरा होता तो दो फ्रेंड कैसे इकट्ठा होता? बहुजन नीति उतरा था उन्हीं के सम्मान में। दूसरा इस देश सर क्या आपने बताया कि अगर ये रोड पर नहीं उतरा होता तो ये जो सोशल मीडिया की देख थी कि आप इसको नहीं मानते? देखिए अब ये तो एज अंडरस्टूड है कि किसी भी आंदोलन में मीडिया की भूमिका होती है। हमारे देश में सोशल मीडिया के निसंदेह रोज खास करके बहुजन आंदोलन के निरपेक्ष में भूमिका बढ़ती जा रही है, क्योंकि मनुवादी मीडिया उस तरह से हमारी बातों को नहीं रखता है। साहब दो अप्रैल के बाद बहुत सारे केस हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने बहुजन युवक 2019 बनाया है लेकिन कुछ संदेश भी तो सड़कों पर उतर गए। देखिए अगर आप देखें तो जयप्रकाश जी के नाम से युद्ध जुड़ रहा है, ठीक है, अनिल सागर जी के नाम से युद्ध जुड़ रहा है, ठीक है, लेकिन सड़कों पर गए। आखिर ये जो घटनाएं होती है उसके लिए रोकने के लिए क्या मापदंड बना रही है इस तरह के संगठन? यूथ का मतलब तो होगा ना सड़कों पर, क्या करना चाहते हैं? देखिए पहली चीज ये समझ लीजिए, काशीराम जी ने एक बात कही थी, याद दिलाना चाहूंगा कि जिस दिन इस देश के शोषक अपने अधिकारों को लेकर सचेत होकर सड़कों पर उतर लें तो समझ लो आपका आंदोलन सही दिशा में। तो हमारे देश के युवाओं ने अपने सोशल मीडिया अपनी गतिविधियों से बगैर जहां जरूरत थी सड़कों पर भी उतरे हैं, संघर्ष भी किया है और उसके द्वारा सिद्ध कर दिया है कि जो आज का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य सामाजिक परिप्रेक्ष्य बना है उसमें जो शोषक हैं उनको घबराहट हो गई, ये तो दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें और जैसे बुद्ध कहते हैं हर चीज का कोई कारण होता है तो उसके पीछे कारण क्या है, वो शक्ति कौन सी है? देश का सचेत जागरूक बहुजन युवा। दूसरा प्रश्न आपने किया कि इसके बाद जो घटनाएं लोग क्यों ही दिखे क्या? देखिए अपने अपने स्तर पर सभी ने उसका विरोध और अपने स्तर पर उन चीजों को खड़े होकर सड़कों पर आगे, ऐसा नहीं है कि इंडिया गेट पर लोग नहीं जुटे, ऐसे नहीं है कि आगरा में लोग इकट्ठे नहीं हुए, हुए और कई बार शक्ति प्रदर्शन से बेहतर होता है। जिसमें आपने एक प्रश्न किया कि इन एट्रोसिटीज को कैसे रोका जाए, तो ये सवाल बनके और तेजी से उभर रहा है ना कि आप इन एट्रोसिटीज को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ अपने समाज को इस देश को, तो इस देश के युवा उस दिशा में अपने अपने ढंग से कुछ प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो जैसे हमारे सामने प्रयोग देखने में आ रहा है कि भाई SC ST एक्ट को लेकर जो चेतना आई और जिस तरह से लोकतांत्रिक संवैधानिक दायरे में रह के नौजवान सड़कों पे भी आए और मीडिया में हर लेवल पर डिबेट में गए और सरकार को अपने कदमों को वापस लेना पड़ा, वो सरकार जो बहुमत की सरकार थी और हमारे सीने पे चढ़ के आई थी, लेना पड़ा ना। तो ये शुरुआत है संघर्ष के और नए पड़ाव। और दूसरी बात ये है इसमें कि हम लोग क्रांति के प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, ना कि अभी क्रांति हुई है देश में। जब हम प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे होते हैं तो ये हमारे अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा SC ST एक्ट पे इतने करोड़ लोग रोड पे उतरना और अंजलि को संजलि को लेकर के भी काफी करोड़ लोग रोड पे उतरे हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है सचेत करने का कि वी आर अवेयर अबाउट आवर राइट्स। अभी हमने क्रांति में कई देश में हम प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अब मैं तो ये मानता हूं कि भारत की अंदर क्रांति होगी उसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल रहेगा, तो हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं ना कि अभी हुई है। जी कोई और सवाल पूछिए। थैंक यू सर, शुक्रिया, धन्यवाद।